प्रातः क्लास चल रहा था 10 जनवरी 1966। सोमवार को दूसरे पेज की आदि में बात चल रही थी, क्राइस्ट आएगा तो फीचर्स तो वो ही होगा ना 5000 वर्ष पहले वाला। तुम जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण के फीचर्स अभी भले चित्रों में कोई ने क्या बनाया है, परंतु बनेगा तो फिर वही फीचर्स जो ड्रामा में कल पहले भी था। कृष्ण भी वही बनेंगे जैसे उनका कल पहले फीचर था। अभी ये चित्र तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, हमारा कोई इनके ऊपर अटेंशन नहीं जाना चाहिए, न इन चित्रों के ऊपर, न कथाओं के ऊपर, न किताबों के ऊपर, न कोई चीज के ऊपर। परंतु है तो बाप, जो फिर इनका वर्णन करके समझाते हैं, वो कहते हैं ना, भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र ग्रंथ ये भी हैं, परंतु उनका सही अर्थ कोई जानते नहीं है। हैं और फिर भी होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं होंगे, फिर भी होंगे। फिर मैं आकर के सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो राज है वो समझाता हूं। वो समझते हैं बच्चे कि बरोबर जो कुछ भी हम नहीं जानते थे ये एकदम नई बात समझते हैं, जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। न जिस्मानी न रूहानी, क्योंकि ऐसे कोई है नहीं जो आकर के कहे मैं तुम्हारा बाप हूं। हम बच्चों को यानी आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, और आकर के समझे कि आत्मा ही हर बात में संस्कार धारण करती है। वो भले स्कूल में पढ़ती है, बैरिस्ट्री का संस्कार धारण करती है, तो सब संस्कार आत्मा में धारण होते हैं। कोई चीज की धारणा शरीर में नहीं होती है, आत्मा में सभी धारणाएं होती हैं। आत्मा में ये सभी पॉइंट ठहरती हैं, जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा कोर्ट में भी लड़ते हैं। संस्कार ये सभी कायदे कानून आत्मा धारण करती है। तो देखो ये जो बच्चों को समझाते हैं, अभी समझते तो हो ना कि ये बिल्कुल राइट है। शरीर की कर्म इंद्रियों में कोई चीज नहीं रहती है, नहीं, ये कर्म इंद्रियां तो विनाशी हैं। संस्कार तो सब प्रकार के आत्मा को ले जाना है, पाप का संस्कार, पुण्य का संस्कार, पढ़ाई का संस्कार। पिछाड़ी में जो बैरिस्ट्री में संस्कार सीखे हो जाते हैं,
तो अंतमते सोगते वही संस्कार ले जाते हैं, जा करके बैरिस्टर भी बन सकते हैं, परंतु कहां कहां का कोई ऐसा कर्म भोग होता है जो फिर बदल भी जाते हैं, परंतु बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बन सकते हैं। जैसे कि सिपाहियों के लिए बाबा ने बताया, देखो जो लड़ाई वाले सिपाही होते हैं उनकी भी वो अंतमते सोगते, तो लड़ाई के मैदान में जाते हैं, फिर भी भले कहाँ भी जन्म लें, जन्म लेकर के ऐसे ही क्षत्रियों के कुल में जो फिर भी सिपाही बन जाते हैं, लड़ाई वाला बन जाते हैं, क्योंकि उनको फर्ज ही अंत में बस मरना और मारने का है। कोई तो मारना मरने का पिछाड़ी में उनको ये रहता है, तो फिर जा करके संस्कार ले जाते हैं। नहीं तो ये इतने लड़ाई के मनुष्य कोई होते थोड़े ही हैं, तो इनका भी जैसे कि एक कुल है, बड़ा भारी कुल है, तो ये भी संस्कार की बात है। ये बाप बैठ करके कहते हैं सभी संस्कार आत्मा में रहते हैं, और बाप या कर इन सब संस्कारों की बातें समझाते, दूसरे ऐसे नहीं कहते हैं, कह ही नहीं सकेंगे। हम ऐसे परमात्मा हैं, तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, कभी कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसे अहम आत्मा सो परमात्मा तत्त्वम कह देते हैं, ऐसे कभी कोई की ताकत नहीं है जो कोई कह सके कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं और परमात्मा बैठ करके पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। वो समझते हैं कि हम हैं परमात्मा, आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, पर हैं हम फिर परमात्मा। फिर परमात्मा को याद करते करते कि हम परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, वो आत्मा भी नहीं समझते हैं, ब्रह्म है, उनमें लीन हो जाएंगे। तो देखो किनकी किनकी कितनी कितनी मतें हैं, किसकी कितनी मतें, कोई की क्या, ये तो अनेक प्रकार की मतें। तो बाप बैठ करके सब बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि तुमको तो अभी बुद्धि में रह गया कि अभी बेहद का बाप जो नालिस फूल है, जो जानी जाननहार है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो ज्ञान का सागर है, जिसको ही पतित पावन कहा जाता है, कृष्ण को कभी कोई भी पतित पावन नहीं कहेंगे, ये डिटेल में समझाना होता है ना। जब तुम लोग भाषण करते हो तब, और ये भी तो भाषण कर रहे हैं ना, क्योंकि बाबा ऐसे तो भाषण करते भी हैं, ऐसे मत समझो नहीं करते हैं। देखो जब वहाँ मेजर की कोठी में आए थे तो आते थे, हम किसको भी कोई मना थोड़े ही करते हैं, या कहाँ भी वहाँ करते तो कोई अच्छे आदमी अंदर चले आवे, उनको कोई मना थोड़े ही कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक हो जाती है।
पब्लिक भाषण में ला मुजीब कोई भी अंदर आ सकते हैं, आ करके बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। उनको कोई मना थोड़ा ही नहीं की जा सकती है कि नहीं ये तो प्राइवेट भाषण है। नहीं, पब्लिक जहाँ भी आती है वहाँ बहुत आते थे ना, और वो सब थोड़े ही अपने बच्चे वो आते थे, तो ऐसे हो सकता है भाषण कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बाप भी तो पहले पहले परिचय देंगे एकदम कि झट ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप है जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, तुम्हारे दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप भी ऐसे ही शुरू करेंगे ना, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, उनको फिर बाप कहा जाता है। बस शुरू ही करेंगे कि हर एक मनुष्य को भक्ति मार्ग में दो बाप हैं, एक लौकिक बाप दुख का बाप, उसको भी याद करते हैं, याद तो करते हैं ना। 10 जनवरी 1966 की वाणी का तीसरा पेज। बाबा ऐसे ही कहेंगे ना कि तुम लोग, बाबा कहते रहेंगे तुम लोग दुख में स्मरण करते हो, सुख में नहीं करते हो, तुम जाते हो बरोबर, तुम भारतवासी जानते हो कि भारत स्वर्ग था, जब स्वर्ग था तो सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था, और अभी तुम भारतवासी नरकवासी बने हो। बाबा ऐसे कहेंगे ना, और सबको तुम कह के कहेंगे, अभी तुम भारतवासी दुखी हो, दुखी हो तो जरूर बाप है, उनको याद करते हो कि फिर से आओ, आ करके हम पतितों को पावन करो, हमको आ करके फिर सुखधाम का मालिक बनाओ। अब ये तो दुख धाम है, कितना दुख हो गया, पीछे बाप बैठ करके समझाएंगे, ये भी तो समझना चाहिए ना कि बाप तो बच्चों के लिए सुख ही स्थापन करेंगे ना। फिर ये तो जानते हो कि बाप आते ही हैं स्थापना करने के लिए, काहे की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सुख की स्थापना। तो ब्रह्मा भी तो जरूर यहां चाहिए ना, कोई सूक्ष्म वतन में तो नहीं चाहिए। है जिससे ब्रह्मा के द्वारा सुख की स्थापना हो, सुख और दुख ये तो साकार वतन की बात है ना। तो उनको भी ऐसे ही समझाना कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, याद करो बुद्धि में कि वो ही हमारा बाप है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, स्थापना होगी तो पहले यहां स्थापना होगी ना।
स्थापना माना पावन दुनिया की स्थापना। तो पावन दुनिया यहां ही स्थापन होगी ना। पतित से पावन यहां बनना है। सतयुग में जाकर के पतित ही नहीं होते हैं तो वो पावन कैसे होंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है कि पतित को पावन बनाने के लिए भगवान को यहां आना पड़ेगा। यहां माने इस दुखी की दुनिया में, साकार दुनिया में आना पड़ेगा। पावन दुनिया स्थापन यहां करनी होगी, क्योंकि पावन दुनिया में तो पावन ही जाएंगे ना। तो जरूर यहां ही पतित है। बाप को यहां ही इस पतित दुनिया में आना पड़े। तो देखो, पतित दुनिया में आवेंगे तो अभी पतित शरीर चाहिए। अब पतित वो चाहिए तो मैं किसका पतित शरीर लूं? जरूर उसी का पतित शरीर लूंगा जो पहले पहले पावन था। जो अब पतित बना है, मुझे पहले उनमें प्रवेश करना पड़े जो वो पहले पहले पावन बने। तो उनके साथ फिर दूसरे भी सुनेंगे करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूं ना, तो प्रवेशता भी ब्रह्मा में करता हूं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा अगर स्थापना कहें सुख की, तो वो तो शरीर छोड़ गए, सुख की दुनिया तो बनी नहीं। तो बताओ मैं कौन से ब्रह्मा में प्रवेश करूं? और ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करूं तो मैं भला किस में प्रवेश करूं? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ये ख्याल करो, मैं विष्णु में प्रवेश करूंगा क्या? विष्णु तो पावन है। तो भले चित्र न भी हो तो भी तो यही कहेंगे ना, चित्र तो नहीं रखते रहते हैं ना। जहां भाषण होता था कोई चित्र सामने थोड़े ही रखे हुए थे। अगर होंगे तो भी पिछाड़ी में लगाए हुए होंगे, परंतु बाबा चित्र को तो नहीं देखते हैं ना। फिर समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ऊंचे से ऊंचा ठहराना। ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापना करेंगे? नई दुनिया की स्थापना करेंगे। तो नई दुनिया में जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। कि तुम जानते हो कि ये यज्ञ है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं किया जाता है। और सतयुग में कोई यज्ञ होता नहीं है, ये तो समझाया गया है।
कि सतयुग में तो सुखी ही सुख है और कृष्ण भी तो सतयुग में है, तो कृष्ण यहां दुख की दुनिया में कहां से आएंगे? ये तुम बच्चों की भूल है, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम्हारी भूल हो ही हो जाती है। भूल तुम्हारे से रावण कराते हैं, जिसको तुम जन लोग जानते नहीं हो। जानते हो बरोबर, तुम उनको बरस बरस जलाते हो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है और बिल्कुल बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो ही तो तुमको दुख देते हैं। दुख देते हैं, दुख में ले जाते हैं, तो जो दुख देते हैं उनकी एफजी जलाई जाती है। तो देखो, और कोई भी मनुष्य का जो दुख देते हैं, लड़ते हैं, जैसे औरंगजेब था, फलाना था, तो चलो उस समय में कोई न कोई एफजी निकाल करके जलाई और खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, पीछे उसका क्या करेगा? और ये रावण मुट्ठा तो खत्म ही नहीं होता है, तुम्हारा पक्का दुश्मन है, बस बस जलाते हो। इसे सिद्ध होता है कि दुश्मन तुम्हारा जाता नहीं है। जब इनकी ये बंद करेगा, जबकि ये विनाश होगा, तब जलाना बंद करेंगे। इससे दुनिया का विनाश हो तब भारतवासी सुखी हो, क्योंकि ये रावण की दुनिया है, ये रावण भारतवासियों का दुश्मन है। राम भारतवासियों का सज्जन है, सज्जन माना ही सत्य जन, सत्य माना ही सच्चा, सत्य रुलाने वाला नहीं हो सकता, झूठ रुलाता है, तो झूठ को भी याद करते हैं ना। रावण दुख देता है तो याद आता है, वो कहते ही ऐसे हैं, भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता, याद भी उनको करते हैं। ये जो पतित पावन पीछे रघुपति राघव कह देते हैं ना, बस यही बात उसमें भूल कर देते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, सबको बुद्धि में रहे, पहले थे पहले ऊंचे थे ऊंचा बाप, पीछे सूक्ष्म वतन, क्योंकि तीनों लोगों को जानना चाहिए। कौन कौन से तीन लोग? तीन लोग कौन कौन से? पार ब्रह्म परमेश्वर का ब्रह्मलोक, जहां से शुरुआत होती है परम ब्रह्म की, ये ऊंचे थे ऊंचा धाम है, संगम युग की बात है, जिस संगम युग में तुम ब्रह्मलोक भी को भी सृष्टि पर उतार लेते हो। उस ब्रह्मलोक का भी तो कोई मुखिया होगा ना, पीछे सूक्ष्म वतन, क्योंकि तीनों लोगों को जानना चाहिए।
शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तो ये है पीछे स्थूल वतन, और ये स्थूल वतन में पहले पहले है ही सतयुग, और सत्ययुग में है ही सब देवी देवताएं। ये नटसैल में उनको चक्कर जरूर बुद्धि में बैठाना चाहिए। जब भी बड़ी सभा होती है, सभा में कभी भी कोई प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, वो बात तो समझा देना है। तुम इसलिए वहां चेयर पर बैठाते हो कि कोई भी प्रश्नोत्तर न पूछे, उनको बतावे कि अभी बैठो, प्रश्न पूछेगा तो हंगामा हो जाएगा। कोई कोई चेयरमैन बना करके बैठाते हैं ना, शांत करके पूछो। प्रश्न पूछना है तो बाद में आ करके पूछो, अभी भले बैठ जाओ। जब क्लास पूरा हो तब जो तुमको प्रश्न पूछना है वो तुमको एकांत में समझाया जाएगा। अभी अपना प्रश्न पूछ करके अपने वाइब्रेशन से सबका माथा खराब ना करो, क्योंकि प्रश्न सबका नहीं है, प्रश्न सिर्फ तुम्हारा है। 10 जनवरी 1966 की वाणी का चौथा पेज। प्रश्न तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर प्रश्न है, ऐसे तो सब में ढेर के ढेर प्रश्न होंगे। अगर सब प्रश्न करने लगेंगे तो हल्ला मचा देंगे सभा में। तो जब कोई बड़ी सभा होती है तो पहले पहले उनको सारी सृष्टि चक्र का समाचार बता देना है, कि ऊंचे ते ऊंचा करतार कौन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है। पीछे बताओ सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, बाद में स्थूल वतन में तो पतित पावन, और अभी तो पतित दुनिया है। यूं तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो यहां हम अभी इस पतित दुनिया में अपना रूप बदल रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं। पतित से पावन पहले सूक्ष्म वाइब्रेशन से बनेंगे, स्थूल शरीर से बनेंगे, पहले तो सूक्ष्म वाइब्रेशन से पतित से पावन बने। ये भारत में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, और उस स्वर्ग का रचयिता है ही बाप, और तो कोई नहीं है। क्यों? एक बाप ही स्वर्ग का रचयिता क्यों है? है? क्योंकि एक बाप ही है जो इस दुनिया में आता है तो सदैव स्वस्थिति में है, परमधाम में तो स्वस्थिति में है ही, परंतु
इस सब परिस्थितियों की दुनिया में भी जब बाप आता है तो सदैव स्व स्थिति में है। जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। स्वर्ग का रचयिता हो सकता है। अच्छा, अब ये तो तुम लोग याद करो कि ऊंचे थे ऊंचा कौन, फिर सूक्ष्म बतन, फिर आओ स्थूल बतन में। स्थूल बतन में तुम जानते हो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी सतयुग में तुम जानते हो कि पहले पहले सूर्यवंशी राजी था, है इस्लामवंशी रहा, सूर्यवंशी राजी था। तो देखो ये सब में नए नए को पहले ये बुद्धि का चक्कर लगाओ, सबको चक्रधारी तो बनाना है ना। चक्रधारी बनेंगे तो इस चक्कर में आवेंगे। ये दुनिया एक चक्कर है ना, पीछे है उनको कि यहां पतित जरूर बनना पड़ता है। कहां है इस साकार दुनिया में आकर सबको, चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, सबको क्या बनना पड़ता है? पतित जरूर बनना पड़ता है और फिर पावन भी जरूर बनना पड़ता है। एक जैसे कि तुम उन सब की बुद्धि में जो भरते हो, तो जो जो भी अपने ब्राह्मण कुल के होंगे और जैसे जैसे होंगे वैसे उनकी बुद्धि में कुछ टच जरूर होगा। तो पहले पहले एकदम ऊंचे थे ऊंचा, क्योंकि कहते ही हैं परमात्मा ही नमः। शिवाय नमः, शिव परमात्मा ही नमः। ये तो पहले पहले सब कोई कहते ही हैं। तुम तो परमात्मा ही नमः नहीं कहते हो, हैं? क्यों? तुम तो परमात्मा का परिचय देने वाले ठहरे, वो तो नमः कह देते हैं क्योंकि परिचय को तो जानते ही नहीं है। तो सबको पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है कि ऊंचे थे ऊंचा बाबा। बाबा ऐसे कहते हैं, दो बाप हैं। कौन कौन से दो बाप हैं? एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप, जिनसे सिद्ध कर सकते हो कि ऊंचे थे ऊंचा भगवंत कौन है, जो सब का बाप कहा जाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब का बाप है। सभी निराकार आत्माओं का जो निराकारी बाप ठहरा, तभी तो कहा जाता है कि ये सभी ब्रदर्स हैं। जरूर ब्रदर्स हैं, तो सभी आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं और परमात्मा को सभी ब्रदर्स दुख में स्मरण करते हैं। हर एक जहां तहां
ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। परम अक्षर क्यों कहते हैं? वो लोग परम अक्षर ऐड नहीं करते हैं, वो लोग परम अक्षर की बजाय हेवनली गॉड फादर यानी आकर के हेवन स्थापन करने वाला। है उनकी बुद्धि उस तरफ जाती है, तुम्हारी बुद्धि परमपिता परमात्मा की तरफ जाती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि जो हेवनली गॉड फादर है, हेवन आकर के स्थापन करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? परमधाम से आते हैं, सीट बोर्ड से आते हैं, सोल वर्ल्ड से आते हैं। और आते हैं तो सिर्फ अकेले ही काम करते हैं? है वो प्रवेश करते हैं, कोई साकार में प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है हेवन स्थापन करने वाला। तो वो कहते तो जरूर है कि परे ते पहरे रहने वाला, निराकारी दुनिया में इनकारपोरियल वर्ल्ड में रहने वाला, उन सबको याद आएगा। तो ऊंचे थे ऊंचा वो कौन जो सबको याद आएगा? वो ऊंचे थे ऊंचा कौन है? शिव बाप। शिव बाप सबको याद आएगा? सबकी बुद्धि में बिंदु ठहरता है तो कौन अंत में सबको याद आए, सबको कौन याद आएगा? वो निराकार जिस साकार में आता है उसको भी आप समान निराकार बना देता है। जब उसको भी आप समान निराकार बना देता है तो इस धारी दुनिया में सभी मनुष्य मात्र को याद करना पड़ता है। किसको? ऊंचे थे ऊंचे भगवंत को, क्योंकि वो सबका बाप है। बाद में पता चलता है कि वो सबका बाप है, फादर कहा जाता है। तुमको समझाया जाता है वो हुआ फादर। अच्छा पीछे आओ सूक्ष्म बदन में, पीछे क्यों आओ सूक्ष्म बदन में? है सूक्ष्म बदन पीछे क्यों? सूक्ष्म बदन माने फर्श की दुनिया में रहने वाले या फर्श की दुनिया से परे रहने वाले? हैं? फर्श की दुनिया से परे रहने वाले। तो फर्श की दुनिया से परे बाद में बनेंगे या पहले बनते हैं? पुरुषार्थ करते हैं तब फर्श की दुनिया वालों से मोह टूटता है। जब मोह टूट जाता है तो कहा जाता है फर्श के रहने वाले, नहीं फर्श से परे रहने वाले। तो ये याद कर दो कि सबका फादर वो निराकार है, विदेशियों का भी फादर है, वो भी इस निराकार को ही मानते हैं। किसको?
जिसमें जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी स्टेज में बैठाता है। हम सब वास्तव में वहां के रहने वाले हैं और हमारा सबका स्वधर्म वहां ही शांत है। पीछे जब इसमें आते हैं तभी कर्म इंद्रियां मिलती हैं। जो हम अपना अपना पार्ट बजाते हैं अभी इस दुनिया में कोई कहे कि मुझे शांति मिले, पार्ट बजाना है तो कोई शांति करके बैठेंगे ही, परंतु बैठ तो नहीं सकेंगे सदाकाल के लिए। बैठेंगे नहीं, कहते हैं शांति शांति, तो शांति शांति जिसको तुम लोग पीस कहते हो वो सदाकाल की पीस तो शांति धाम में है। पीस वर्ल्ड को तो जब विनाश होगा तो सब वहां पीसफुल दुनिया में चले जाएंगे। किसके द्वारा? झाड़ के चित्र में बैठा हुआ ऊपर दिखाया है शांति देवा है। देवा क्यों कहा, शांति दाता भगवान क्यों नहीं कहा? क्योंकि सबको शांति देने वाला वो एक ही देवदेव महादेव है, जो सारी सृष्टि का अशांत दुनिया का विनाश करा देता है और फिर सबको शांति धाम में जाना पड़ता है। सब शांति दुनिया में चले जाएंगे तो बताओ फिर पीस कहाँ है? और पीस के बाद फिर है सुख। और शांति धाम में है प्लान पीस, और सतयुग में है पीस के साथ फिर सुख, जिसको सुखधाम कहा जाता है। अभी ये दोनों उनको कहा जाता है मुक्ति धाम, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, उसको कहा जाता है गति, किसको? किसको? मुक्ति को। मुक्ति को कहा जाता है गति और उसको कहा जाता है सद्गति। सत माने सच्ची गति। अभी सद्गति तो सतयुग में है, दुर्गति है कलयुग में। अभी आओ तो हम समझावें कि सद्गति और दुर्गति कैसे होती है। ये भारत की बात है ना, भारत ही अव्वल नंबर सदगति में और भारत ही अव्वल नंबर दुर्गति में। भारत में ही स्वर्ग है, अभी भारत में नरक है, इसको ही दुर्गति कहेंगे और उनको सदगति कहेंगे। तो अभी वो तो ऊंचे थे ऊंचा रहा, अभी वो तो हमको सदगति देते हैं, बरोबर स्थापना करते हैं,
और देखो सतयुग त्रेता का राज्य हमको मिलता है, आओ स्थूल वतन में सतयुग त्रेता। अच्छा पीछे द्वापर कलयुग वो आना ही है, जरूर आना है। अभी थोड़ा थोड़ा दुख शुरू, चीज कोई भी हो पुरानी जरूर होनी है, ये षष्ठी रूपी झाड़ पुराना होना है, दुनिया पुरानी होनी है। तो देखो उस समय से फिर पुरानी दुनिया शुरू हो जाती है और रावण का राज्य शुरू हो जाता है, जिसको तुम हर बरस जला आते जाते हो। अभी तुम बच्चों को तो मालूम नहीं है कि रावण को कब से जलाते आते हो, हैं? जब से आता है देवताएं भी वाम मार्ग में चले जाते हैं, पतित बनना शुरू कर देते हैं। अभी तो बहुत पतित बन जाते हैं, भक्ति भी तब शुरू हो जाती है। ये जो भी समझो यहां है, अभी भी भक्ति चल रही है द्वापर से लेकर के, जबकि रावण की प्रवेशता है और जबकि ये प्रवृत्ति मार्ग जो वाम मार्ग में जाते हैं, तब फिर देखो गिरते ही जाते हैं। तो देखो उस सतयुग में है चढ़ती कला, फिर देखो उतरती कला, ये ड्रामा में सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी वहां जो सूर्यवंशी हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं, नहीं तो 8 जन्म तो लेना ही पड़े, या तो गिरना पड़े। आत्मा दूसरा शरीर जरूर लेगी ना, तो देखो पहले पहले वो 8 शरीर में सुख लेते हैं। क्या कहा? आत्मा पहले पहले कितने शरीरों में सुख लेती है सतयुग में? 8 जन्म होते हैं। पीछे और नीचे 2 कलाएं कम होती जाती हैं, फिर और कमती में आते हैं। कोई एक की तो बात नहीं है ना, नहीं, सूर्यवंशी डायनेस्टी सो फिर चंद्रवंशी बन जाती है और फिर वृद्धि को पाती रहती है, क्योंकि सृष्टि को फिर भी वृद्धि को पाना ही है ना, वृद्धि को पाती जाती है। 10 जनवरी 1966 की वाणी का 5वां पेज। अच्छा पीछे रावण की प्रवेशता होती है, फिर द्वापर शुरू होता है। क्या जब तक रावण की प्रवेशता नहीं होती है तब तक एक पुर या द्वापुर है? एक पुर होता है तो कहते हैं अद्वैत, आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। तो देवताएं होते हैं वो अद्वैत होते हैं, न दूसरा धर्म है, न दूसरी भाषा है, न दूसरा मत है। और जब द्वापर शुरू होता है तो दो दो मतें, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो भाषा।
तो कहेंगे कि द्वापर शुरू हो जाता है, उसमें फिर ये विकार आ जाते हैं। भी माने विपरीत कार माना कार्य, कैसे कार्य करने लग पड़ते हैं, है भगवान की मत के विपरीत कार्य करने लग पड़ते हैं, फिर थोड़ा दुख शुरू हो जाता है और भक्ति मार्ग भी शुरू हो जाता है। पहले अब व्यभिचारी भक्ति, पीछे वो भक्ति भी वृद्धि को पाती है, तहां तक के वृद्धि पाते पाते व्यभिचारी हो जाती है। व्यभिचारी भक्ति क्यों कहते हैं, पहले पहले जिसने सुख दिया उनका मंदिर बनाया जाता है, बनता है ना, पहले किसका मंदिर बनता है, है शिव का मंदिर बनाया जाता है, जरूर पहले पहले उसने सुख दिया होगा, तो क्या बिंदी रूप में सुख दिया होगा, है बिंदी सुख देती है फुदक फुदक के, है जरूर बिंदी ने कोई शरीर में प्रवेश करके सुख दिया है, तो लिंग में बिंदु रखा जाता है, वो लिंग जो बड़ा रूप दिखाया जाता है वो बड़े साकार शरीर की यादगार है, और बिंदु निराकार की यादगार है जो प्रवेश करता है। तो उस एक की पूजा का जो समय है वो अच्छा अव्यभिचारी माना जाता है। पीछे ऐसे कहेंगे कि द्वापर में बहुत समय उनका अव्यभिचारी रूप चलता है, पीछे ये देवताओं की पूजा होने लग पड़ती है, तो बस जो पूज्य देवताएं थे वो ही देखो पुजारी कैसे बन जाते हैं। वैसे भाई बनते हैं व्यभिचारी, क्योंकि सारी उनकी डायनेस्टी को 84 जन्म लेना है, तो सारी षष्ठी वृद्धि को पाती रहती है, तो ऐसे ये चक्कर फिर करके अभी देखो कलयुग अंत आ गया, अभी अंत आ गया तो फिर सुख चाहिए, दुख की अति हो रही है तो अति का अंत चाहिए, तो जरूर जैसे दिन से रात होती है तो ये भी ऐसे ही है। कलयुग के बाद जो रात है और ये जो घोर अंधियारा है, कोई भी ज्ञान रूपी सवेरे को नहीं जानते हैं, सोजरे को नहीं जानते हैं। देखो ये ज्ञान अभी बाप ने दिया हुआ है, क्या अंधियारी रात से सोजरा होना और सोजरे से फिर अंधियारी रात होना, सोजरा है सवेरा, अंधियारी रात है घोर अंधेरा, कलयुग अंत। तो कलयुग के बाद जो रात है घोर अंधियारा है, कोई भी ज्ञान सोजरे को नहीं जानते हैं। देखो ये ज्ञान अभी बाप ने दिया हुआ है ना, तो हम तुमको इस सारी षष्ठी के चक्र का ज्ञान देते हैं। इस षष्ठी चक्र में कौन कौन है, सतयुग में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है,
देखो दिन में है या रात में? दिन में है। वो इतनी बड़ी आयु लेते हैं, वहां रोना पीटना नहीं होता है। भारत की फुल एज गाई जाती है, बाद में फिर एज कम होती जाती है। कहां तक कि अभी देखो चक्कर लग करके अभी आ गया अंत। देखो स्वर को सभी याद करते रहते हैं। अभी तो आफतें आ गई हैं, झाड़ पुराना हो गया है और टाइम भी 5000 वर्ष पूरा हो गया। जब वो शुरू होगा तब जरूर बाप आएंगे। तो बहुत दुख होता है तो बाप को बुलाया जाता है, बहुत बुलाते हैं। गांधी बापू ने रघुपति राघव राजा राम की धुन लगाई, ये पतित पावन आओ 40 करोड़ को एक साथ मिलकर के भगवान को बुलाना पड़ता है। तो बाप को बुलाते बुलाया जाता है और बाप कहते भी हैं, मुझे कहते भी हैं, जब हम पतित बन जाते हैं तभी हमको पावन करने के लिए आना पड़ता है। तो देखो अभी पावन करने के लिए, फिर कलयुग को स्वर्ग बनाने के लिए, फिर हम जो मनुष्य देवता थे वो अभी असुर बन गए हैं, उनको सुर बनाने के लिए। सुर और असुर क्यों कहा जाता है? है सुर माने जो एक सुर में बात करते हैं, क्या जो एक की भाषा वो सभी की भाषा, जो एक का वाइब्रेशन वो सभी का वाइब्रेशन, उनको कहा जाता है सुर। और जिनका झगड़ा ही झगड़ा हर बात में चलता है, वाइब्रेशन में टकराहट ही टकराहट, बातों में टकराहट ही टकराहट, दृष्टि में भी टकराहट ही टकराहट रहती है, लाल पीली आंखें करते रहते हैं बात बात में, बात मत पूछो, वो सब असुर बन गए। उनको असुर से सुर देवता बनाने का काम बाप का है। मैंने कल बोला था कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। ये जो अंग्रेजी लोग हैं उन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। अभी देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी थोड़े ही लगती है। देवताएं सतयुग में होते हैं, सतयुग में 16 कला संपूर्ण, वो 16 कला संपूर्ण मनुष्य कैसे लड़ेंगे? कलयुग में कलाहीन, तो कहां की बात है। संगम युग में दोनों का मेल होता है, कौन कलाहीन विधर्मी बन जाते हैं और कौन कौन देवताएं थे सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशियों की और दूसरे दूसरे वंशों की लड़ाई होती है। देखो कितनी मुझे, और लड़ाई भी भगवान आकर के कोई हिंसक युद्ध थोड़े ही लड़ाते हैं, ये तो विकारों के युद्ध की बात है, वाइब्रेशन की बात है, ज्ञान युद्ध की बात है। उसमें दिखाते भी हैं महाभारत लड़ाई, गीता ज्ञान दिया,
अभी वहां सतयुग में असुर, कलयुग में, सतयुग में तो असुर होते ही नहीं, लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कलयुग के अंत में देवता है नहीं, देवता कभी लड़ते भी नहीं है। भले बाबा कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरी देवी गुणों वाले हैं और ये आसुरी गुणों वाले हैं। गीता में लिखा है ना, ये दैवी संप्रदाय है, ये आसुरी संप्रदाय। यादव और कौरव आसुरी संप्रदाय और पांडव दैवी संप्रदाय। तो देखो, दैवी माने देवता, आसुरी माने असुर राक्षस। तो इन्होंने इनकी लड़ाई वगैरह दिखाई दी है, तो उसमें गाया हुआ है। परंतु हम तो लोग बोलते हैं कि वो सब रंग है और स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं, हिंसक लड़ाई की बात ही नहीं। तो जो कहते हैं कि ये देवी देव दैवी संप्रदाय हैं, वास्तव में ये लड़ने वाले कोई भी दैवी संप्रदाय नहीं है। वो बाबा फिर उन शास्त्रों को करेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये दैवी संप्रदाय यहां इस कलयुग में थी ही नहीं, वो ब्राह्मण संप्रदाय थे। क्योंकि ब्राह्मण को ये एक पुरी के नहीं होते हैं, ब्राह्मण तो नंबर वार 9 पुरी के ब्राह्मण गिने जाते। तो जो 9 पुरियों के ब्राह्मण ये हैं, वो आस्तिक ब्राह्मण 9 प्रकार के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। ब्राह्मण संप्रदाय हैं जिन ब्राह्मणों से ज्ञान यज्ञ रचा गया, और उनमें भी ब्राह्मण धर्म वाले पहले पहले चोटी के ब्राह्मण चाहिए। ये यज्ञ है ना, तो ब्राह्मण बनकर के फिर ये देवता बनते हैं, और बनते हैं पढ़ाई से और योग बल से। एक जैसी पढ़ाई और एक जैसा योग बल तो हो नहीं सकता, तो जरूर नंबर वार ब्राह्मण है सो नंबर वार देवता बनते हैं। अव्वल नंबर के जो ब्राह्मण हैं, वो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी देवता बनते हैं। फिर नंबरवार जो ब्राह्मण हैं, वो और धर्मों में नंबरवार कन्वर्ट होते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।